मृत्यु ताले नहीं टलती। भगवान विष्णु कहते हैं, अगर मनुष्य का मृत्यु निकट आ जाए तो क्या करना चाहिए, तो आइए जानते हैं एक कहानी की माध्यम से। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे ही नई नई कहानी सुनने के लिए। तो मित्रों, चलिए अब हम जानते हैं विस्तार से। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध थे कि तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था। यम देव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए, मृत्यु ताले नहीं टलती चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि मृत्यु निकट आने पर हम कितनी भी चतुराई कर ले पर हमें कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए मित्रों, हमें अपनी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए क्योंकि मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होते हैं। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ एक और नई कहानी स्टोरी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।